अनएक्सपेक्टेड था कि कुछ मिलेगा ऐसा। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आई नो इस बार भी मैं थोड़ा लेट हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ, अब बस एक्सक्यूजेस ही मतलब बनेंगे और कुछ नहीं है। पर हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है सरस्वती पूजा के दिन का। थाम्बा भाई थाम्बा, क्या सीन है भाई? सरस्वती पूजा ऐसा मेरे साथ कुछ है नहीं। आपका भाई जन्म से शुद्ध सिंगल है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का जैसे होता है पहले रिलेशनशिप में था फिर ब्रेकअप हुआ फिर सिंगल हो गया, वैसा सीन मेरे साथ है ही नहीं। मैं भाई बचपन से शुद्ध सिंगल शाकाहारी प्राणी हूँ, मेरा क्या ही हो सकता है। पर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मेरे इधर पड़ोसियों को लेके अपने ही कॉलोनी में एक बढ़िया सा पूजा सेलिब्रेशन होता है जैसे ट्रेडिशनली होता आया है। ये आजकल के बच्चों का सीन नहीं है कि मतलब बंगालीज का वैलेंटाइंस डे एंड ये ऑल। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार सज धज के थोड़ा हीरो बन के जाते हैं अपने कॉलोनी वालों के साथ वीडियो बनाने। पर इसमें भी एक कंडीशन है ना भाई, मतलब अगर पूरे सोसाइटी मतलब क्या ही बोले, मेरे पड़ोसियों के साथ जो पूजा सेलिब्रेशन हो रहा है ना उसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स भी रहेंगे, एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने ये आपका भाई वो आपका भाई नहीं रह पाता, ये अपने ही लोगों के सामने कैमरा खोल के बात नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं वो आइडिया भी मेरा कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने क्या सोचा कि गरीब दुखिया आदमी भाई क्या करें, क्योंकि 26 जनवरी का छुट्टी भी मिला है तो उसको ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे। मैं कॉल कर दिया SRV को। जी हाँ, आप लोग इस लड़के को पहचानते होंगे, बहुत ही बढ़िया यूट्यूबर है, फ्रेंड्स मेरे से बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाता है, वीडियोज़ भी मेरे से अच्छा बनाता है। एंड इट वॉज द अपॉर्चुनिटी दैट मैं इसके साथ इस बार मिल भी लूँ। तो हम लोगों ने सोचा चलो एक अच्छा सा छोटा मोटा ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि हाथ में उतना टाइम बचा नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बिहारीनाथ हिल्स घूम के आते हैं। तो चलो अब आगे की कहानी आपको रास्ते में दिखाते हैं। बहुत इधर मैंने बकबक कर लिया, बहुत पका लिया आप लोगों को। तो चलो अभी मेन रास्ते में आपसे मिलते हैं एंड वहीं पर आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपने गाड़ी में, इधर से अभी तो धूम मचाएंगे पूरा भाई, 200 200 200 करते हुए चलेंगे। नहीं भाई, मतलब वो मजाक की बात है, 200 तो मेरे गाड़ी में नहीं हो पाएगा, और मैं बहुत ही लिमिटेड स्पीड में चलाता हूँ, जितना मेरा कंट्रोल रहेगा उसमें ही चलाता हूँ। और ये लेफ्ट में आपको दिखा मेरा स्कूल। अब उधर से हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने कॉलोनी को टाटा बाय बाय बोलेंगे एंड उठ जाएंगे GT रोड के ऊपर। एंड चलो अभी इधर आपको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, रास्ता आप थोड़ा एंजॉय करो म्यूज़िक के साथ, और बीच बीच में मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं बोलता रहूँगा एकदम बढ़िया से। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बिहारीनाथ के ऑलमोस्ट आसपास कहीं पे। इधर से 5 किलोमीटर हमें बस जाना है, और ये 5 किलोमीटर रास्ता जो होने वाला है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें ऑफ रोडिंग भी आएगा एंड बहुत कुछ सीन है। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाँव का रास्ता है, आपको थोड़ा देख के चलाना है ये सब रास्तों में, क्योंकि छोटा सा रास्ता आप देख सकते हो। और ये हम लोग आ चुके हैं ऑफ रोडिंग पे, अब थोड़ा मजा उठाएंगे भाई। और इन रास्ते में भी आपको भाई अचानक ब्रेक्स अप्लाई नहीं करने, एकदम आराम आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैंड वगैरह है तो उसमें आपको फिसलन हो सकता है। एंड आपने बेटर पता है अपनी सेफ्टी के बारे में, तो उस हिसाब से चलाएं गाड़ी, और बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी लेट हो जाओ पर जल्दबाजी के चक्कर में गलत कुछ मत करो बस। और ये आपको दिख रहे हैं रास्ते कितने मस्त हैं, और वो सामने दिख रहा है पहाड़, ये दाएं तरफ थोड़ा सा एक छोटा सा तालाब, और ये गांव के रास्ते से हम लोग इस बार जा रहे हैं। और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है भाई, मतलब बांकुड़ा का एक चीज़ तो हमें मतलब एकदम बोलना चाहिए, यहाँ पे अगर कोई इलाका है जहाँ पे लोग रह रहे हैं चाहे जितना भी छोटा इलाका हो, रास्ता भाई एकदम मस्त रखते हैं ये लोग।
ये बस मैंने बांकुड़ा में ही देखा ये वाली स्पेशलिटी कि यहाँ पे रास्तों का मेंटेनेंस बहुत ही बढ़िया किया जाता है। एंड ये हम लोग अभी पहुँच चुके हैं बिहारीनाथ पहाड़ के एकदम सामने। इधर से हम लोग अभी गाड़ी पार्क करेंगे एंड बिहारीनाथ का जो ये इको टूरिज्म पार्क है इसके अंदर अभी एंटर कर रहे हैं। तो चलो बाकी म्यूजिक के साथ देखो आप। ऑलराइट, वी आर एट बिहारीनाथ हिल्स एंड इससे पहले आप इस जगह का वीडियो देख चुके होंगे मेरे चैनल पर पुराना चैनल था तो छोड़ देते उसको, नए चैनल पे भी ये वीडियो देख लेना। एंड जगह तो आपको पता ही है, मैं जहाँ पे भी आता हूँ बहुत बढ़िया जगह होता है, तो ये भी बहुत बढ़िया जगह है। फैमिली लेकर पिकनिक के लिए आओ तो बहुत ही एकदम स्पेशल से जगह है कि आपको अच्छा खासा सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आसपास रिसोर्ट है बहुत सारे, सामने पार्क है, आप बच्चों को लेके आओ, फैमिली वाले सबको लेके आओ, एंजॉय करो, बहुत बढ़िया है। एंड सामने आपको दिखेगा बिहारीनाथ हिल, ये रहा, ये अप्रॉक्सीमेटली इतना ऊंचा है कि हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करके भी इधर चढ़ने तक का रिस्क नहीं लिया। तो कभी आएंगे फिर और तो ऊपर जाके ट्रेकिंग वगैरह करेंगे और ऊपर का व्यू आपको दिखाएंगे। एंड चलो अभी बाकी का रास्ता देख लेते हैं क्या सीन है। यू विल सी इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड यहाँ पे अभी तो फिलहाल शाम के टाइम है, मतलब हम लोग निकले बहुत लेट है, आज दोपहर के 2 बजे निकले हैं उधर से, अभी 3:30-4 के आसपास बज रहा है तो अभी निकल जाएंगे। तो फिलहाल ये दिस इज अ पीसफुल प्लेस, आप आ सकते हो बढ़िया से। तो ऑलराइट, आज के मेरे वीडियो पे एक नया गेस्ट है अपने चैनल पे, ये देखो हाय, इसका चैनल का नाम है SRV, बहुत छोटा मोटा यूट्यूबर है, 60,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, 160 सब्सक्राइबर। कुछ शर्म करो आप लोग, हिंदी तो कथा बोलते हैं, हमें बांग्ला छाड़ा हमें हिंदी बोलते हैं। चलो बांग्ला तो बोला ना, एक ही व्यापार भूलिए जाएगा एम नहीं क्यों देख ना हमारे वीडियो दादा देखो देखो सभी भाई चैनल सब्सक्राइब करो शेयर करो और देखो ब्लॉग देखते रहो एकदम फुटिए दा और अपन हमरा के एंजॉय करछी दुजन मिले यार क्यों नहीं। चलो अभी बाकी का घूमते हैं। चलो और बहुत घंटों मतलब ऐसे घूमने फिरने के बाद थके हारे दो इंसान भाई यहाँ पे पानी के लिए आए थे, पर यहाँ पे हमें क्या दिखा, पानी था ही नहीं यार, क्या ही बताएं, दुख की बात। तो चलो इधर व्यर्थ कोशिशें ना करते हुए सीधा निकलते हैं और चलते हैं बिहारीनाथ मंदिर की ओर। और हाँ एक बात, मेरे साथ जो है भाई SRV, उसके चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ के जो ड्रोन शॉट्स वगैरह आएंगे वो सब आप उसके चैनल पे जाके बढ़िया से देख सकते हो जब वो वीडियो अपलोड करेगा। एंड चैनल का मैंने नाम आपको इधर पॉपअप में भी दे दिया है स्क्रीन में, उधर से देख के आप जा सकते हो, अदरवाइज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब ये आप बोलोगे भाई तेरा 150 सब्सक्राइबर लेके तू कैसे 40,000 या फिर 60,000 सब्सक्राइबर के लोग को प्रमोट कर रहा है, तो भाई कोई नहीं देख लो, क्या ही दिक्कत है, मतलब वही बात होगी ना, मतलब नदी में मैं 2 बूंद पानी डाल के बोल रहा हूँ कि चलो मैंने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया है, पर वैसा सीन नहीं है नॉर्मली, कोई नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स में इसके चैनल को अभी तक देखे नहीं होंगे तो जाओ देखो यार, बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएटर है। एंड बाकी आप जाके ही देखो, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलने वाला। तो चलो अभी मंदिर की ओर चलते हैं, इधर अभी देखो कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं शायद, या फिर ये लोकल गाड़ी है कुछ जिससे लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं।
ऑल राइट जी, अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल सामने पर। शाम हो चुका है तो पता नहीं अंदर जाने को मिलेगा कि नहीं, क्या है पता नहीं। अभी फिलहाल जो भी है आपको दिखा लेते हैं जगह कि कैसे आना है, क्या कुछ करना है, आपने देख लिया होगा। अब जब भी आपका मन हो एक बार झट से आ जाओ और आके घूम के जाओ बढ़िया से। इधर चलो, सामने ही पार्किंग हमें दिख गया तो ये बढ़िया चीज़ है कि यार गाड़ी रखने का कोई टेंशन नहीं अलग से। तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं एंड गाड़ी पार्क करने के बाद दिखाते हैं आपको मंदिर का एरिया पूरा। ऑलराइट, तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिहारीनाथ मंदिर के सामने एंड यहाँ पे घुसने का ट्राई करते हैं, बाकी देखते हैं वीडियो वगैरह होता है तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज क्या ही कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं। और ये रहा मंदिर एरिया, ये रहा मंदिर। और यहाँ पे हमारे SRB भैया जा रहे हैं मंदिर के अंदर, वही क्लिप ला के देंगे हमको और हम यहाँ पे खड़े हैं और क्या करें। और यहाँ पे देख रहे हो भैया खड़े होकर हमको एक चीज देख गया, यहाँ पे सामने बहुत बढ़िया सा एक तालाब टाइप का है तो हम यही सब कैप्चर कर रहे हैं बड़े बाहर खड़े होके। पर जो है चलो बढ़िया है, दिख तो रहा है सब कुछ एंड जगह बहुत ही खूबसूरत है। मतलब एज अ फैमिली पर्सन अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपने फैमिली को लेकर कहीं पे घूमने आना होगा तो आई विल रिकमेंड कि यार बिहारीनाथ हम लोग आ सकते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। आप फैमिली के साथ आराम से आओ, घूमो फिरो। और मन है चान टान कर हाथ पा धुए ढुके ना मंदिर मन हे गल भर सब ना छोटो मंदिर ना। अभी तो फिलहाल इधर से विदा होते हैं, बाकी देखते हैं रास्ते में कुछ मिला तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज घर में जाके वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, मैंने आपको क्या बोला था कि रास्ते में कुछ मिलेगा तो जरूर दिखाऊंगा, पर अनएक्सपेक्टेड था कि कुछ मिलेगा ऐसा। तो पीछे का सीन देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये हम लोगों को रैंडमली मिला ये वाला सीन कि रास्ते में भाई जा रहे थे, अचानक से देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, उधर सामने एक और पहाड़ है तो रास्ता पूरा बवाल है भाई, बवाल है। आपने अगर अभी तक मुझे झेल लिया तो वीडियो को यार लाइक करो एंड चैनल को भाई सब्सक्राइब करो नए हो तो, एंड शेयर कर दो भाई अभी से। ठीक है, तो ऑलराइट जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।